ये है दहशत का पिंजरा, जो गुजरात भाटकोटा गांव का बताया जा रहा है। इस पिंजरे में रहना कोई शौक नहीं, बल्कि किसानों की मजबूरी है। अपने खेत में ही लोहे से बनाए इस पिंजरे में किसान बकायदा बिस्तर डालकर सोते भी हैं। हालांकि पिंजरे में लॉक भी लगाया गया है ताकि कोई चोरी ना हो सके। बाहर जाने के लिए दरवाजा भी बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर पिंजरे से निकला जा सके। दरअसल भाटकोटा गांव में 4 तेंदुओं ने आतंक मचा रखा है, जिससे बचने के लिए गांव के किसान ने अपने खेत में पिंजरा बना लिया और वहीं रहने लगे। इससे वो अपनी फसल की सुरक्षा भी कर लेते हैं और खुद को पिंजरे में कैद कर अपनी भी जान की सुरक्षा कर लेते हैं। मेरा नाम भरत सिंह राम सिंह राव, गांव भाटकोटा। तेंदुआ आने के लिए मैं पिंजरा बनाया है, खेत में गेहूँ की खेती बोया है। इसके बेरन के लिए रोज और नील गाय और बूंद सब कुछ आता है। इसके लिए मैं पिंजरा में रहकर इसका बचाव करता हूँ। आपको ऐसा उपाय कैसे मिला और आप पिंजरे में रहते हो? मेरे को ऊपर 2-4 बार हमला कर दिया, इसलिए मैं खुले पलंग पे सोता था रात को। इसलिए मैंने देखा कि अंदर से साला ऊपर चढ़ जाए तो क्या करे, इसलिए मैं अंदर रात को जग रहे अंदर सोता हूँ। वन विभाग ने कुछ किया? वन विभाग को मैं 2 बार जान किया, पर उसको कुछ नहीं किया। पर हमारे गांव में 4 दीपड़ा एक साथ में आ गया, इसलिए वन विभाग को मालूम पड़ा, इसलिए वो विजिट करके इसको पिंजरा रख दिया है। अब कैसा हो लग रहा है? अभी लग रहा है कि दो तीन चार दिन वो विजिट करता है और दीपड़े के अजी दो पिंजरा दूसरा रखने का बोला है। इधर आता है अब कहते हैं? हाँ, कायम ही से इधर ही वो कांगुआ दीपड़ा इधर आता है। गांव वालों की माने तो 4 तेंदुओं ने रात के समय गांव के मंदिर के पास खेत में डेरा डाल रखा है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि गांव वाले लगातार 3 से 4 घंटे तक मंदिर के सामने डंडे लेकर खड़े रहते हैं, इस डर से कि कहीं गांव में तेंदुए घुस ना जाए और मंदिर के आसपास घूमते हुए उन्हें मार ना डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।